Good morning, children. In science class, I am going to start new chapter, that is chapter 12. And the name of chapter is The Earth, Sun, Moon and Stars. Children, our Earth is known as a blue planet. Do you know why? 3/4 of the Earth is water, so Earth looks blue from the outer space. Out of the 8 planets in our solar family, the Earth is the 3rd planet and it revolves around the sun in a fixed orbit. हमारी अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं. हम क्यों ब्लू प्लैनेट कहते हैं? क्योंकि अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर्स है, मतलब अर्थ का 3/4 पार्ट पानी से ढका हुआ है, पानी से भरा हुआ है. इसलिए अर्थ जो है बाहर से वो ब्लू लगती है. स्पेस से हम जब आउटर स्पेस से देखते हैं तो हमारी जो अर्थ है वो ब्लू कलर की दिखती है, क्योंकि इसका 3/4 पार्ट पानी से बना हुआ है. ठीक है, 8 प्लैनेट्स हमारी सोलर फैमिली में, सोलर सिस्टम में या सोलर फैमिली में 8 प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें से कि अर्थ 3rd प्लैनेट है. और अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में. इट इज़ ए प्लैनेट बिकॉज इट ट्रैवल्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट एंड ऑल्सो बिकॉज इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन. इट इज़ शेप्ड लाइक ए बॉल. इसे हम प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सन के चारों तरफ ट्रैवल करती है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में. ओके, और इसको लाइट भी सन से मिलती है, इसका शेप बॉल की तरह होता है. द अर्थ इज़ द ओनली प्लेस इन द यूनिवर्स वी नो वेयर लाइफ इज एग्जिस्टिंग. एग्जैक्टली द राइट कंडीशंस आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ टू मेक लाइफ पॉसिबल ऑन इट. अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है यूनिवर्स में जहाँ पे हमें जहाँ पे लाइफ है, मतलब जहाँ पे जीवन है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी स्थितियाँ हैं जीवन के लिए अर्थ में, मतलब वो सारी स्थितियाँ मौजूद हैं, जैसे कि पानी, हवा, ये सब अर्थ में है. इसीलिए यहाँ पे जीवन पाया जाता है, लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है. इट इज़ नीदर टू क्लोज नॉट टू फार फ्रॉम द सन सो इट हैज़ द करेक्ट टेम्परेचर फॉर लाइफ. सन से ना ये बहुत ज़्यादा दूर है ना बहुत ज़्यादा पास है, इसीलिए इसमें लाइफ जीवन के लिए इसमें जो टेम्परेचर है वो सबसे करेक्ट टेम्परेचर है जीवन के लिए या जिंदा रहने के लिए. यहाँ पे इस पे अर्थ में सबसे सही टेम्परेचर है, क्योंकि ये ना तो सन से बहुत दूर है ना सन से बहुत पास है, और इतने ही टेम्परेचर में जीवन उपस्थित रहता है, मतलब जीवन रहता है. इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच इज़ कवर्ड बाई एयर एज ए ब्लैंकेट. एयर हैज़ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एग्जैक्टली द राइट प्रोपोर्शन. वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट ऑक्सीजन. ऑल्सो इट इज़ द ओनली प्लैनेट विद वाटर ए लाइफ सपोर्टिंग सब्सटेंस. दैट इज़ वाई आवर अर्थ इज़ नोन एज अ यूनिक प्लैनेट. ये यही एक प्लैनेट है जिसमें कि एयर जो है वो एक ब्लैंकेट की तरह जो कवर है एयर से, जो हमारा जो अर्थ है वो एक कंबल की तरह एयर से पूरी कवर होती है. एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन होते हैं राइट प्रोपोर्शन में, जितनी ज़रूरत होती है. हम बिना एयर ऑक्सीजन के लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं. ओके, इसलिए हम यहाँ पे एयर की वजह से यहाँ पे लाइफ है. यही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें पानी पाया जाता है, जो कि पानी एक बहुत बड़ा लाइफ सपोर्टिंग सब्सटेंस है. ओके, इसीलिए हमारे अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे लाइफ सपोर्टिंग सब्सटेंस पाए जाते हैं और वो सारी स्थितियाँ मौजूद हैं जो एक जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं या जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे वाटर, एयर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. ओके चिल्ड्रन, दिस मच फॉर टुडेज क्लास. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस लेयर्स ऑफ द अर्थ. टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग. थैंक यू चिल्ड्रन.